हेलो एवरीवन, आई एम सोनू कनोजी एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेयर कंसेप्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जीके क्विज लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए हिंदी में है ये, और ये प्रैक्टिस सेट टू है। जैसा कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को दबाइए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अपने प्रैक्टिस सेट टू के क्वेश्चन को और उसका आंसर क्या होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किस शहर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग, यहाँ चार ऑप्शन है, ओस्लो और जर्मनी, ब्रुसेल्स एंड जनेवा। तो जैसा इसमें कहा गया, एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है किसको, तो ओस्लो, जो कि ये नॉर्वे का है, नॉर्वे की एक सिटी है। जैसा कि दोस्तों, मैं इसमें कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अब तक आप जितने भी भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला है उसमें से 8 लोगों को मिला है, जिसमें पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा सीवी रमन, तीसरा भौतिक में आप लोगों को रमन प्रभाव के लिए मिला था सीवी रमन, और चौथा हरगोविंद खुराना, पांचवा मदर टेरेसा, और छठवां यश चंद्रशेखर, और सातवां जो थे अमर्तर सेन, और उसके बाद लास्ट जो वैकुंठ रमन रामकृष्ण थे, और लास्ट जो थे कैलाश सत्यार्थी थे। तो ये हमारे 8 जो भारतीय हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे आपसे पूछा जा रहा है कि बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए, आप लोगों से पूछा गया है कि बास्केट के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 5 खिलाड़ी होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन ए जो दिया है, फोर, ये फोर जो होता है इसमें पोलो के लिए होता है, ये पोलो के लिए ये हो जाता है। और जो ऑप्शन नंबर 6 दिया हुआ है, सी में 6 खिलाड़ी दिया है, इसमें वॉलीबॉल होते हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इसमें वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल, ये जो वाटर पोलो कबड्डी नेटबॉल होता है इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आप लोगों का इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आप लोगों से कि 1 रुपये मूल्य के ऊपर के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। जैसा कि दोस्तों, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको कि आप लोगों से पूछा गया है कि 1 रुपये मूल्य के ऊपर के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। जैसा कि यहाँ RBI होता है, और जो वित्त मंत्रालय होता है हमारा भारत सरकार, वो 1 रुपये के नोट के अलावा, जैसे कि 2 के नोट हुए या 10 नोट हुए, 5 के नोट हुए, 100 के नोट हुए, इनमें क्या होता है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। बाकी जितने भी जैसे सिक्के होते हैं, ये सब वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। दोस्तों, जो मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा हम लोगों को आया था, 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया था। ये एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता दिया आपको। देखिए, उसके बाद पूछा गया कि बर्लिन किसकी राजधानी है, तो बर्लिन किसकी राजधानी है, जर्मनी की। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाँचवें पूछा जा रहा है, कोयला के मुख्य रूप से शामिल है। तो पाँचवा आपका है कोयला, मुख्य रूप से एक क्या है शामिल है, तो जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। उसका तो छठवें पूछा गया है कि जिम्मी वेल्स एंड लैरी सेंगर किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकिपीडिया। उसका तो नीचे देखिए पूछा जाएगा सातवां, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की SI इकाई है। तो SI इकाई क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg/-2। देखिए, आठवें क्वेश्चन पूछा गया है कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता नहीं है, दबाव के अनुसार घट या बढ़ सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दबाव के अनुसार घट या बढ़ सकता है। उसको देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन देखिए, 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो यूरेनियम होता है आपका, ये जो होता है ईंधन का काम करता है। फिर तो 10वें पूछा गया, दृष्टि के पर्सपेक्टिव सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कैमरा, जो कैमरा होता है वो दृष्टि के पर्सपेक्टिव सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। उसके बाद आप लोगों से 11वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस का आंसर आपको देखिए क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। 12वें पूछा गया कि सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है, तो 12वें क्या है सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, 13वें पूछा गया, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है।
तो गोबर गैस में जो होता है आपका वो आप लोगों का मीथेन होता है जो CH4 होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सी उच्चतम उष्मीय मान रखता है? 14वीं में क्या पूछा गया आप लोगों से कि कौन सी गैस उच्चतम उष्मीय मान रखती है? तो इसका आंसर हो जाए भाप अंगार गैस, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए 15वीं में पूछा गया है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 91 से 92। इसका 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है सांगों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो सांगों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व आपका लोहा हो जाता है, आंसर नंबर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका 17 देखिए पोलियो का कारण है, तो पोलियो का कारण क्या होता है आपका? पोलियो का कारण वायरस होता है जिसे हम विषाणु के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। उसका 18वें देखिए क्या पूछा है कि किस देश ने योग का खेल दर्जा प्रदान किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि किस देश ने योग का खेल दर्जा प्रदान किया? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि सऊदी अरबिया, ये हो गया। फिर 19वें में पूछा गया कि गंगा सफाई हेतु तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस देश की सरकार के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे देखिए आपका क्या पूछ रहा है कि गंगा सफाई हेतु तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस देश की सरकार के साथ समझौता किया? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका बी जो कि नीदरलैंड हो जाएगा। उसका 20वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, 5750 करोड़। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा।